मुस्लिम राजा की जमीन पर बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने कल पीएम मोदी पहुंचे और ये मंदिर बेहद खास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं india.com और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। BAPS मंदिर अबू धाबी के शेख जायद हाईवे पर बनाया गया है और ये मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा तो बुधवार की सुबह से ही शुरू हो गई थी। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इस बहुचर्चित मंदिर की खासियत क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मंदिर में 402 खंभे हैं, 25,000 पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग भी किया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर तक जाने वाले रस्तों पर 96 घंटियां और गौमुख स्थापित हैं। मंदिर में नैनो टाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो गर्मी में भी पर्यटकों के चलने में आरामदायक रहेंगी। वहीं मंदिर में गोलाकार, षटकोणीय जैसी विभिन्न प्रकार के खंभे भी बनाए गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक मुस्लिम राजा ने हिंदू मंदिर के लिए भूमि दान की। इस मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट कैथोलिक ईसाई हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख हैं और फाउंडेशनल डिजाइनर एक बौद्ध है। कंस्ट्रक्शन कंपनी एक पारसी ग्रुप की है और डायरेक्टर जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में 7 शिखर भी बनाए गए हैं। इन पर भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामी नारायण, तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा की मूर्तियां भी हैं। 7 शिखर UAE के 7 अमीरात के प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर में रामायण और महाभारत सहित भारत की 15 कहानियों के अलावा माया, एचटेक, मिस्ट, अरबी, यूरोपीय, चीनी और अफ्रीका सभ्यताओं की भी कहानियां दर्शाई गई हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर की नींव अप्रैल 2019 में रखी गई थी और इसका निर्माण उसी साल दिसंबर में शुरू हो गया था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के निर्माण की लागत करीब 400 मिलियन संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। तो आप कब इस भव्य मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।